गाइस, वेलकम टू चंदा ग्लैम ब्यूटी। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि घर पे ही रह के आप किस तरीके से कलर कर सकते हो अपने बालों पे, क्योंकि लॉकडाउन है और पार्लर में तो जाना पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए घर पे मैं आज आपको कलर करना बताऊंगी। तो मैं जो आज कलर करने वाली हूँ ना, वो अपने बालों में ब्राउन कलर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि नेचुरल तरीके से किस तरीके से आप अपने बालों में घर पे ही रह के हेयर कलर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कलर करने के लिए हम बनाएंगे हेयर पैक, और हेयर पैक में दो ही चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले हेयर पैक के लिए हमें चाहिए ऐसे केले चाहिए जो ज़्यादा पके हुए होते हैं। ये ही बालों के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि ये कंडीशनिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। जो साइन जो बालों में आती है ना, वो इन्हीं केलों के बदौलत आती है। तो आपको ऐसे ही केले लेने हैं। यहाँ पे मैं दो केले ले रही हूँ, आप अपने बालों के अकॉर्डिंग ले सकते हैं केले। सेकेंड जो चीज़ इसके अंदर डलेगी वो है ये कॉफ़ी का पाउच। तो आपको मैं इसके अंदर 3 से 4 पाउच लेने वाली हूँ कॉफ़ी का। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। 1 चम्मच वैसे बहुत हो जाता है, 1 चम्मच भर के आप कॉफ़ी उसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये पाउच है तो पाउच से ही काम चलाना पड़ेगा। और चलिए तो इसको मिक्सी में मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि बालों पर किस तरीके से अप्लाई करना है। तो आपको दोनों बनाना कट करके मिक्सी में डाल लेना है, और उसे में आपको कॉफ़ी भी डालना है, और एकदम स्मूथ पेस्ट बनके आपको तैयार कर लेना है। जो पेस्ट है बिल्कुल ही बारीक होना चाहिए, ताकि वो अच्छे तरीके से आपके बालों पे लग जाए और वॉश करते टाइम अच्छे से निकल जाए। और आप देख सकते हो कि ये पहले के बाल है जब मैंने अप्लाई नहीं किया है ये मास्क। और मास्क आपको किस तरीके से अप्लाई करना है कि अपने जो आपके जो बाल हैं उनको दो जगह डिवाइड कर लीजिए, और इस तरीके से आप अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करना है पूरे बालों पे अप्लाई कर लेना है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि जूड़ा बालों का बना लेना है। और कम से कम 2 घंटे तो आपको रखने ही हैं, 1 से 2 घंटे आप रखिए, और मैं वॉश करने के बाद आपको उसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो कि खाली पानी से मैंने वॉश किया है, और देखिए अभी मेरे बाल गीले हैं तो भी कितने स्मूथ नज़र आ रहे हैं। ड्राई होने के बाद मेरे जो बाल हैं कुछ इस तरीके के नज़र आ रहे थे। तो धूप में ये कलर बहुत ज़्यादा दिखेगा, लेकिन मैं देख सकते हो कि मैं अपने रूम में हूँ तो भी मेरे बालों में कितनी ज़्यादा साइन आ रही है, और कलर भी मेरे बाल हो गया। आपको वीक में ये एक बार तो कम से कम ट्राई करना ही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इसको ज़रूर एक बार ट्राई करके देखें।